अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तनवीर हुसैन। आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो अभी तक हमारा व्लॉग लेट आ रहा था, तो इंशाल्लाह आपके साथ अभी दोबारा रिकनेक्ट होने वाले हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ही खूबसूरत है, तो बहुत ही खूबसूरत दिन के आगाज़ के साथ, अभी दिन तो नहीं कह सकते, चले रात है, तो रात का आगाज़ करते हैं। और इसके साथ ही व्लॉग भी हम छोटा सा मिनी सा व्लॉग बनाएंगे, तो आपको दिखाएंगे मस्जिद नबी शरीफ में अभी हजाज करम आ रहे हैं, वहाँ पर रश कितना है, वहाँ पे माहौल अभी कैसा है। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाजम सब्सक्राइब करें और हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड बेल का आइकन लाजम दबा दीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। वैसे ये जो सामने मेरे बंदा जा रहा है ना, ये जैनुल आबिदीन है, तो ये व्लॉग अभी बना रहा है। अभी मैं वीडियो इसकी जो बना रहा हूँ अभी बगैर इसकी परमिशन के बना रहा हूँ, तो इससे परमिशन लेंगे फिर इसकी वीडियो व्लॉग में डालेंगे। तो अभी चलते हैं, इसको मिलते हैं, क्योंकि वीडियो में एक बंदे को देखना और वैसे देखने में बहुत फ़र्क होता है। तो चलें अभी इससे पहले सलाम दुआ करते हैं। आप अगर जहाँ से भी देख रहे हैं मंज़र तो सलाम पेश कर लीजिए। माशाल्लाह अभी गुंबद खुज़्र के बिल्कुल नज़दीक हूँ, यहाँ से हम इंटर होंगे सलाम करने के लिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ से मंजर आप चेक करें। और अभी हजाज कराम का भी बहुत ही ज़्यादा रश है, यहाँ से आप देख सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जैन भैया के आगे जा रहे हैं, इनके पीछे मैं वीडियो इनकी बना रहा हूँ, और ये यहाँ से जा रहे हैं अंदर बाबुल इस्लाम से सलाम पेश करने के लिए। तो यहाँ पे पीछे पीछे चलते हैं इनके, और फिर वहाँ से इंटर होंगे बाबुल इस्लाम से। यहाँ पहुँच चुके हैं बाबुल सलाम पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो बाबुल सलाम है, एक नंबर दरवाज़ा है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है बाबुल सलाम। यहाँ से आप अभी इंटर होंगे सलाम पेश करने के लिए। तो सबसे पहले अपनी जूते वगैरह हाथ में कर लें। मोहम्मद सैयद कौनैनि जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अभी हम सलाम पेश करके बाहर निकले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाजी हजाज कराम, यहाँ से सलाम करने के बाद यहाँ से बाहर आ रहे हैं। और इसके बिल्कुल ही सामने अगर आप देखें तो यहाँ से लोग अभी अंदर जा रहे हैं रियाजुल जन्ना में सलाम पेश करने के लिए, और रियाजुल जन्ना में नफल अदा करने के लिए। आज आदमियों के लिए स्पेशल दिन है, क्योंकि मखसूस अवकार में यहाँ पे चंद दिन होते हैं, औरतों के लिए चंद दिन होते हैं, मर्दों के लिए। तो यहाँ पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का दिन है वो स्पेशली मर्द हज़रात के लिए है, जो मर्द हज़रात यहाँ से अभी रियाजुल जन्ना में नफल अदा करने के लिए जा रहे हैं। हम आ गए हैं 5 नंबर गेट से। अगर आपने बाप मस्जिद की बैक साइड में जाना है तो हमेशा फ्रंट के दरवाज़े इस्तेमाल करें, यहाँ से आप इंटर होंगे तो आप मस्जिद की बैक साइड से जाएंगे।
अगर ऊपर से जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा चक्कर लंबा हो जाता है, तो यहाँ से एंटर होंगे तो उसी वक्त आप सीधा जाएंगे तो दूसरी इसकी बैक साइड से आप बाहर निकल जाएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी ये मस्जिद नबी के बिल्कुल अंदर सहन का मंजर आप देख रहे हैं, और अक्सरियत में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं, या पता नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ इस वजह से। तो वैसे हर बंदा, हर मुल्क का आपको यहाँ पे बंदा नज़र आएगा, क्योंकि हजाज वगैरह तो अभी बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बांग्लादेश का, इंडिया का, फिलिपाइन का और सूडान का, पाकिस्तान का हर बंदा यहाँ पे आपको नज़र आएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी जैसे ही हज नज़दीक आ रहा है उतना ही रश भी ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले जमजम पीते हैं, फिर एक जमजम की बोतल भरेंगे, तो फिर बाहर निकलेंगे। सबसे पहले जमजम जमजम। ये देखें, अभी हजाज कराम ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इन्होंने जमजम के कूलर भी ज़्यादा कर दिए हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड में भी कूलर पड़े हुए हैं जमजम के, और इस साइड में भी जमजम के लिए दस्तावेज़ पेश करने के बाद मैं मस्जिद की बैक साइड में भी आ गया हूँ। और यहाँ पे मेरी वर्दा माशाल्लाह मेरे साथ आ गई है, क्योंकि वर्दा सबसे पहले यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि जो वर्दा थी वो मेरी बेटी पहले आ गई थी असर के टाइम पे, तो फिर मैं अभी आया हूँ गाड़ी लेके अपनी वर्दा को लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये टिड्डियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम सर अंजाम देते हैं वो यहाँ पे सफाई वाले हैं, यानी कि मस्जिद में अपनी। अभी अगर देखा जाए जितनी ज़्यादा टिड्डियाँ हैं वो अभी इनको रिमूव करने में सबसे ज़्यादा जो इनका हाथ है वो सफाई वालों का है। अगर यहाँ पे सफाई वाले कम हों तो ये टिड्डियाँ इतनी ज़्यादा हों कि आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते। तो माशाल्लाह हजाज कराम भी इतने ज़्यादा। अगर आप 339 नंबर गेट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको शॉप्स मिलेंगी गोल्ड की, इसके साथ स्टारबक्स है, और अच्छी शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट मिलानो है, H&M है, और इस तरह की शॉपिंग सेंटर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपने सिम लेनी है तो यहाँ से आपको सिम के बूथ वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप STC देख रहे हैं, इसके साथ ही इस साइड में यहाँ पे मोबाइल वाले बैठे हुए हैं। मोबाइल का जो पैकेज है वो सबसे मुनासिब और ज़बरदस्त है, उसमें आपको GB वगैरह डाटा वगैरह अच्छा पैकेज मिल जाता है। और यहाँ से आप 339 से सीधा आगे जाएंगे तो आपको टोटल जो खाने के लिए फ़ास्ट फूड वगैरह इस तरह की आपको शॉप्स वगैरह मिल सकती हैं। ये यहाँ पर है 339 नंबर। अभी मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। वो वर्दा उठ गई है माशाल्लाह, वर्दा मेरी बेटी उठ गई है। वर्दा की मामा गई हुई है अंदर आधे जमजम लेने के लिए, और मैं और वर्दा यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उसकी मामा आएगी तो फिर हम उनके साथ अभी जाएंगे वापस। वर्दा जी, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पहुँच गया हूँ घर में, तो वर्दा भी यहाँ पे आ गई है। ये देखें हमारी छोटी सी वर्दा। तो अभी हम घर पहुंच गए हैं, तो घर में पहुंच के अभी भूख लगी हुई है बहुत ही ज़्यादा। जैसे ही मैं काम से आया था, काम से आने के बाद नहा के फ्रेश होके फिर मैं चला गया था खनम के लिए, तो सलाम पेश करना था। काफ़ी दिन हो गए थे मैं नहीं गया था, क्योंकि मस्जिद नबी शरीफ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जितनी बार भी चले जाएँ आपका दिल कभी नहीं भरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है कि बिल्कुल करीब है, गाड़ी में भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह के हजूर कि अल्लाह पाक आपको भी जल्द और जल्द यहाँ पे आने की तौफीक अता फरमाए, आप भी अल्लाह के घर में जाएं उम्रा अदा करें। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, छोटा सा व्लॉग है, ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वर्दा के साथ आपको कहते हैं बाय 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 बाय।